बच्चों, गुड मॉर्निंग। चलो आज जीके एंड कॉन्वर्सेशन का 16 चैप्टर पढ़ते हैं, जिसका नाम है सम मोर्स एनिमल्स। ऑलराइट, ओके, शुड वी स्टार्ट? यस, ओके। स्नेक, स्नेक। माउस, माउस। फ्रॉग, फ्रॉग। क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल। टॉर्टॉइस, टॉर्टॉइस। लिजार्ड, लिजार्ड। परक्यूपाइन, परक्यूपाइन। स्नेल, स्नेल। स्क्विरल, स्क्विरल। ऑल राइट, ओके, वापस वापस पढ़ेंगे। यस। चलो बच्चों, अभी बोलो सम मोर एनिमल्स, स्टार्ट विथ स्नेक, ओके, माउस, वेरी गुड, फ्रॉग, क्रोकोडाइल, टॉर्टॉइस, लिजार्ड, Porcupine, snail, squirrel. Very good. आगे बढ़ते हैं। Okay. बच्चों आगे बढ़ते हैं। Okay. We will go through some question and their answers. All right? Okay. पहला question है, which animals live in water as well as on land? Frogs and crocodiles live in water as well as on land. All right? Which animals live in holes? Mice and snakes live in holes. All right? Okay. Third है, which creature do we find on the walls of our house? We find lizards on the walls of our house. All right? Okay. Which animal has sharp quills on its body? The porcupine has sharp quills on its body. All right? समझ में आ गया? सो बच्चे लोग, अब तुम लोग बताना, ठीक है? विच एनिमल्स लिव इन वॉटर एज वेल एज ऑन लैंड? फ्रॉग एंड क्रोकोडाइल लिव इन वॉटर एज वेल एज ऑन लैंड। ओके। विच एनिमल्स लिव इन होल्स? माइस एंड स्नेक लिव इन होल्स। वेरी गुड। विच क्रिएचर डू वी फाइंड ऑन द वॉल्स ऑफ आवर हाउस? वी फाइंड लिजर्ड ऑन द वॉल ऑफ द हाउस। Very good. Which animal has sharp quills on its body? The porcupine. Porcupine. The porcupine has sharp quills on its body. Very good. तो बच्चे लोग, तुम लोग इसको रिपीट करना, ठीक है? ओके। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले बाय, टेक केयर। बाय बाय।